हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आपने देखा होगा, हमने अभी अपने टिफिन पैक कर लिए हैं। हम लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल फेरी राइड पे जा रहे हैं। फेरी इन द सेंस बोट, जो कि एक आइलैंड की तरफ जाता है और बहुत ही फेमस हिस्टोरिकल आइलैंड है। वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, तो वी थॉट आज जाना चाहिए, उसका एक्सप्लोर करना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए कि वो उसकी हिस्ट्री क्या है, वहाँ पर क्या होता है, वो क्या था और अभी क्या काम हो रहा है उस पर। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल लोकेशन। हम दोनों रेडी हैं, टिफिन रेडी हैं, बैग्स रेडी हैं, हमारे कैमराज रेडी हैं, चलो चलते हैं। सो गाइस, वी आर एट विनियर्ड स्टेशन। यहाँ से हमें वॉक करके फेरी के पास जाना है, जो फेरी नंबर F3। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से आप जा सकते हो, तो हमें जो गूगल ने बोल दिया, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं अभी। हाँ, जो गूगल बोलेगा वो हम मानेंगे भाई, खुद का दिमाग लगाने का नहीं है ऐसे टाइम पे, जो चीज़ पता नहीं है। पर कई बार आ चुके ना भाई एरिया, हमें जहाँ भी जाते हैं यहाँ से आ ही जाते हैं। बेसिकली ये वो अपना हार्बर ब्रिज के पास ही है, सिटी हार्बर ब्रिज जैसे कहते हैं, वहाँ पर ही है। तो उसी तरफ वॉक करना है, वहाँ से फेरी पकड़नी है, फेरी नंबर F3। और यहाँ एक चीज़ अच्छी है कि आपका जो ओपल कार्ड है या आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वो आप जो आप अपना ट्रेन में या ट्रैम में यूज़ करोगे, वही आप ये फेरी में भी यूज़ करोगे। आपको अलग से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है टिकट्स। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैं फेरी में बैठ के देता हूँ, थोड़ा देखेंगे फेरी का हालचाल क्या है, विल शेयर एक्सपीरियंसेस। भाई ये एरिया बहुत खूबसूरत लगता है ना यार, मतलब भाई ऊंची ऊंची इमारतें, ब्यूटीफुल ट्रेन्स और ये ब्रिज है अपना, अरे हमारा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का है। और रे बाप रे बाप, ये कितना बड़ा क्रूज शिप है। शिट, माँ कसम, भाई साहब ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। शिट भाई साहब, ये वो फेरी स्टेशन है जहाँ से हमें फेरी पकड़नी है, तो टाइम है हमें, तो हम थोड़ा जाके उस शिप का जरा नज़ारे करके आते हैं। अरे कितना बड़ा है यार, शिट, ये इतनी बड़ी क्रूज शिप पीछे क्या कर रही है। तो इसका रीज़न है कि ये पूरा एरिया, ये इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भी है सिडनी का, तो बहुत बड़े बड़े क्रूज शिप यहाँ आके ठहरते हैं, उनका ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है और ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। मतलब देखो यार, मतलब इट्स सो मैसिव, भारती तीनों चीज़ें एक साथ है, ब्रिज, क्रूज और ये अपना ओपरा हाउस। दिस इज लुकिंग सो गुड। अच्छा आप भी हो, दुनिया का 8वां अजूबा। पर कित सच में यार, मैं तो बोलते नहीं थक रहा हूँ, कितना बड़ा है ये। और ना नजदीक चलते, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भाई अभी तो खाली फोटो ले रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द इसमें ट्रैवल भी करेंगे, है ना। ये हमारा अच्छा मोटिवेशन है कि ये बोट के बदले, ये बोट में हम, ये क्रूज में आई मीन, हम ट्रैवल करेंगे एक दिन। चलो भाई टाइम हो गया फिलहाल हमारे फेरी का, उस तरफ चलते वरना छूट जाएगी, काफी वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ पहुँचने का सबसे आसान तरीका है इस स्टेशन पे आना, सर्कुलर की, पर क्या है शायद अभी हम इस टाइम पे कोई ट्रेन यहाँ के लिए मिल नहीं रही थी, तो हमें एक पीछे उतर के थोड़ा वॉक करना पड़ा। और ये यहाँ का फेरी स्टेशन, फेरी वॉक कहते हैं इसे। और ये कहाँ, यहाँ पर आप कोई भी दिन आ जाइए, कोई भी टाइम आ जाइए, यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है हमेशा। इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि ब्रिज यहाँ पर है, क्रूज टर्मिनल यहाँ पर है, ओपेरा हाउस भी यहीं पर ही है। 11:37 की फेरी छूट गई है, अभी 11:45 की एक और है, सो हम लोग जस्ट वेट कर रहे हैं उसका। आई कैन सी जो भी आई हुई है, लगता है यही है शायद, अभी फील होगी। काफ़ी लोग आते जाते यार, पहले तो मुझे लगा छूट गई, उदास हो गया था ना वो मेरा भी। कि यार इतना भाग दौड़ करके भी ना मिले,
वो क्रूज के चलते ये मिस हो जाती है। वेरी एक्साइटेड, कहाँ बैठना है? तो चलते ना बाद में, ऊपर चलते ना, ऊपर देखते ना। लेट्स गो अपस्टेयर्स। Oh wow! This is beautiful. Beautiful, yaar. और ये boat ride करीब 20 मिनट की रहने वाली है, like in 20 minutes you will be at Kukat Island. वहाँ से उतरना है। अगर वहाँ से अगर आपको guided tour लेना तो भी ले सकते हैं। I hope वहाँ पे होगा क्योंकि online booking भी करनी पड़ती है। अगर आपको tour चाहिए, tour guide चाहिए रहेगा तो। चालू हो गई। भाई यहाँ से देखेगा इसका असली रूप कितना बड़ा है ये। ख़त्म ही नहीं हो रहा है, अब ख़त्म हुआ। भाई क्या सही लग रहा है? I am so excited। मस्त वाली फीलिंग आ रही है यार, मतलब सब कुछ इतना सुंदर, इतना मस्त लग रहा है ना। धूप है पर बहुत ब्यूटीफुल है यार, मतलब ये एक्सपीरियंस ये करके मिल सकता है। Amazing. Bharati, how's the Josh? Hi sir. How's the Josh? हम आपको वर्ड से बता नहीं सकते कि एक्सपीरियंस कितना अमेजिंग है। लाइक आई मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन सिडनी, इट्स रियली ब्यूटीफुल। यहाँ प्राइवेट यॉट्स भी हैं। क्या याद है? कोंकण याद है, कोंकण का। हाँ यार यहाँ पे अभी 4-5 स्टॉप है, लास्ट में शायद कोकाटू आइलैंड है। अभी हम बालमेन आए हुए हैं, तो बालमेन भी एक आइलैंड जैसे ही शायद से। यहाँ लोग काफ़ी बच्चे खेल कूद रहे हैं पार्क वगैरह में, फिशिंग कर रहा है, बच्चे वहाँ पार्क में खेल मिल रहे हैं। यार मैं सोच रहा था अपने मुंबई में भी इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, वहाँ पर भी चीज़ चालू करनी चाहिए। पता है ऐसे वहाँ पे है ना ये एलिफेंटा के लिए। हाँ ऐसे अपने मुंबई में क्या है, देयर इज लास्ट माइल कनेक्टेड टू एवरीथिंग, कि आप कहीं से भी हर चीज़ से आ सकते हो। हाँ ये आइलैंड वगैरह तो ये फेरी करते होंगे, क्योंकि मुंबई में इनिशिएटिव चलता रहता है और वो बंद हो जाता है, शायद वो लोग यूज़ ना करते हों इसके वजह से। ये तो अपना स्टॉप है, इसके बाद ही कोकाटू आइलैंड 4 मिनट में। अरे चला गया भाई, ये रहा कोकाटू आइलैंड। इस यहाँ पे आपको टेंट्स वगैरह भी देख रहे होंगे, लोग कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। यहाँ होटल्स हैं, सब कुछ है यहाँ पर। यू कैन स्टे अगर आपको एक रात बितानी भी है यहाँ पे बुकिंग करके। चलो भाई पहुँच गए, चलो चलते। इट्स रियली ब्यूटीफुल और इतनी मस्त ठंड हवा चल रही है कि इट्स मेकिंग इट इवन मोर ब्यूटीफुल। सो गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यार ये बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है। और इसका हम आपको बताएंगे कि इसका नाम कोकाटू आइलैंड क्यों है। कोकाटू एक्चुअली यहाँ पे एक बर्ड है जो दिखता तोते जैसा है, पर तोते जैसा है नहीं। तोते जैसा? हाँ दिखता है ना उसके बीक वगैरह, वो तोते जैसी है, लेकिन वो एक्चुअली तोता नहीं है, बहुत बड़ा रहता है। मतलब बहुत नहीं बोलेंगे, तोते ऐसे डबल ईयर
2.5 टाइम ज़्यादा रहता है उस साइज़ में। तो क्या था कि जब ये एकदम नेचुरल हैबिटेट में था अपने, तभी सारी चीज़ें नहीं थी, तो यहाँ पर बहुत विजिट होता था कोकाटूज़ का, बहुत ज़्यादा आते थे। फिर धीरे धीरे बनने लग गए तो यहाँ पर उनका आना कम हो गया। हालाँकि हमारे घर के सामने बहुत उत्पात मचाते वो लोग, अपनी नींद अपनी नींद हमारी नींद वही तोड़ते हैं एक्चुअली। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लाइक इफ यू कैन सी दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिकग्नाइज बाय यूनेस्को। ये ऑस्ट्रेलिया हेरिटेज था पहले, पहले से ही था, लाइक आप देख सकते हो यहाँ पे, बाद में यूनेस्को में रिकग्नाइज किया रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हेरिटेज में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसका नाम तो आइलैंड है लेकिन इसको यूज़ करते थे ये यार से बीच में, पता है किस लिए? जेल के लिए। यहाँ पे ये जेल था, ऐसे 11 जेल हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, जिसको वो भी 4/11 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बनाया किसने था? ऑफ कोर्स ब्रिटिश ने। जैसा इंडिया में अपना काला पानी आइलैंड है ना अंडमान्स में, समझ लो वैसा ही ये लोगों ने जेल बनाया था यहाँ पर। मतलब उतना खतरनाक लेवल पर नहीं था, पर यहाँ पर कॉन्विक्ट्स को रखा जाता था। यू कैन सी द कॉन्विक्ट पैनल सेटलमेंट हुआ था 1839 टू 1869 के बीच में, और यहाँ जेल, ये जेल थी बेसिकली। एवरीबॉडी व्हाट्स अप, कम ऑन कम ऑन कम। अरे माँ कसम की हवा चल रही है। और यहाँ पे कैंप्स लगे हुए हैं, आई एम नॉट श्योर इसका बुक कर सकते हो क्या कर सकते हो, इसका मुझे कोई हिसाब क्या पता नहीं है, तो गलत खाम खा गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता मैं। बट इनके साइट्स पे लिस्टेड है एक्चुअली कि आप यहाँ पे, हाँ होटल रूम्स जैसे यहाँ पे सारे होटल्स हैं, ये दिख रहा होगा आपको ब्राउन रूफ में, तो यू कैन स्टे आप यहाँ पे। मैं वेबसाइट दे दूँगा जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हो यहाँ के होटल्स की, आपको अगर गाइड की ज़रूरत रहेगी यहाँ के पूरे हिस्ट्री जानने के लिए तो आप वो बुक कर सकते हो। कुछ $16 से स्टार्टिंग होता है उसका प्राइस, और होटल से इससे लेके यहाँ पर इवेंट्स होते रहते हैं, न्यू ईयर में यहाँ पे काफ़ी कुछ होता है तो उसकी बुकिंग कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह भी होते हैं, इवेंट्स होते हैं। पता है एक जेल को ये लोग ने अभी एंटरटेनमेंट का साधन बना लिया है। हाँ एक्चुअली यहाँ पर टैंक भी है पुराने ज़माने की। यार ये असली टैंक है कि ऐसे शोपीस है? क्या पता भाई ब्रिटिश लुक का था, वो लोग यूज़ करते होंगे यहाँ पर, क्या भरोसा नहीं। अभी तो हमने घूमना स्टार्ट भी नहीं किया है, जैसे एंट्रेंस पे ही है। चलो भाई काफ़ी 3-4 घंटे घूमने हैं यहाँ पे अभी अपने को। देखो चट्टाने, ये किस, इसका क्या काम होता होगा यार? जेल होगी क्या पता, आई डोंट थिंक जेल यहाँ पे होगी, जेल कुछ और होगा। अच्छा टनल है बेसिकली, ये टीला है उसने टनल बनाया था। देयर इज अ टनल, ये यूज़ कर सकते हैं क्या अपन, जा सकते हैं क्या अंदर? है ना कैफे एंड बार है अंदर, कैफे एंड बार है अंदर, देखो लोग जा रहे हैं ना भाई यहाँ पे। ये तो इसमें कैफे एंड बार है, इसका नाम है डॉग लेग टनल, है ना? ओह नाइस, आपको फाइनली मिला देते हैं, क्या जैसे आते हैं ना जेल में मिलने के लिए। वाओ शेड, ऐसा अजीब सा वो क्या बोलते हैं एड्रेनलिन रश वो हो रहा है। हाँ यार चिल्लाना नहीं है, ऐसा लगे भाई वो अजीब सी फीलिंग आ रही है अपने को बंदी बना रहे हुए हैं, आपको डाल खोद खोद के ना नीचे से चले जा रहे हैं। उसको सिक्योर किया पता अच्छे से, ये लकड़ी का जो भी पिलर्स है। हाँ हम तो टिफिन भी लेके आए हैं जेल में मिलने के लिए, जेल में खुद से खाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये
आयरलैंड को ऐसे जेल यूज़ करते थे, और बाद में ब्रिटिश लोग के जाने के बाद इसको फिर उसके बाद इसको यूज़ करने लगे ऐसे नेवल डॉक, शिप बिल्डिंग यार्ड के तौर पर इसको यूज़ किया जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे टूरिज्म इम्प्रूव हो रहेगा जैसे ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न वर्ल्ड में, तो इसको फिर क्या होता है टूरिज्म स्पॉट बन गया, कैंपिंग होने लगी, इवेंट होने लगे, लोग विजिट करने लग गए। हाँ स्पीकर वगैरह सब लगाए हुए हैं अनाउंसमेंट वगैरह के लिए होगा। एक अजीब सी डरावनी फीलिंग आ रही है, भले कुछ डरावना है ही नहीं, खाली टनल को छोड़ के स्टिल आप भी हो डरावने यहाँ पर। ये है वो चुड़ैल। कितना अंधेरा है यहाँ पर, इसके बारे में लिखा नहीं है कि किस लिए मतलब ये लोग यूज़ करते थे इसको। अभी पढ़ा तो चलो देखते हैं। नहीं वो खाली नाम लिखा था टनल का, उधर लिखा होगा। हाँ अच्छा यहाँ लिखा है कुछ, सो दिस वॉज बिल्ट इन 1942 सेफ्टी बिनिथ द सैंड स्टोन। अच्छा ये सैंड, अच्छा ओके सैंड स्टोन का हिल है ये। Also known as Stowe's Tunnel, the Dogleg Tunnel was built during World War II as an air raid shelter. Air strike से बचने के लिए, fighter plane के जो bombings होती थी ना, उसके बचने के लिए बनाया गया था। भाई इतना हिसाब किताब भाई। As a primary ship building, refitting and repair facility for the Allied wars efforts in the Southern Hemisphere during World War II. There was a concern that Cockatoo Island could have been on the enemy's target list. An annex of the northern end of the tunnel was set up as a casualty clearing station. Fortunately, Cockatoo Island never came under attack. तो ये बचाव के लिए बनाया गया था एयर स्ट्राइक से, थैंकफुली कुछ हुआ नहीं। ओ भाई साहब क्या खतरनाक है स्पाइडर। हाँ ये पूरा बंगला है इसका, ये बच्चा भी है इसका। रिकॉर्ड हुआ? ये एक और टनल रहा यार ऊपर। हाँ वो तो है, छुपेंगे क्या करेंगे बेचारे, जान से जाएंगे वरना। यार ऊपर भी लोग जा रहे हैं, पहले आपको नीचे का निपटा लेते हैं फिर बाद में ऊपर जाते हैं। यहाँ की जेल क्या है, मुझे जेल देखनी है। अजीब शौक पाले हुए हैं मैंने, जेल देखनी है मेरे को यहाँ की। यहाँ भूत रहते होंगे क्या? मेरे को लगता रहते होंगे, एक तो मेरे बाजू में चल रही है। डर गया मैं। क्या खतरनाक है यार ये जगह पूरी। मालूम पड़ गया साहब खतरनाक, मालूम पड़ गया। कितने बार बोलोगे मालूम पड़ गया? हाँ ये मेरा तकिया कलाम है। क्या तकिया? अभी खतरनाक मतलब क्या होता है मेरी लैंग्वेज में? बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा, काफी सुंदर या इम्प्रेसिव। ये यूट्यूब डिक्शनरी है। वो भी नेचुरल निकलेगा, लोग इसको देख के ना निकलेगा। अरे भाई साहब। हाँ अरे भाई साहब क्या मस्त है यार। कौन से साहब लोग को आप याद कर रहे हैं? इनका अच्छा है ना, टिकट लेना पड़ रहा है ना कुछ लेना पड़ रहा है, आओ खाओ जो मिले बस पंख फैला लो। भाई ऐसी क्रेन ये बहुत पुरानी है, कम से कम 100 साल ना एटलीस्ट। ये फोटो के सामने, ये फोटो है वो देखो सामने क्रेन है, काफी पुरानी है यार ये सारी चीजें, मशीनरी यहाँ पे। ये इस बोट के बारे में शायद, ये बोट का लॉन्च हुआ था 1927 में।
कमीशन हुआ 1928 में, और किंग जॉर्ज फिफ्थ ने विजिट किया था इसे। ये कुछ बाकी लाइक शिप्स के हिस्ट्री का है। आई मीन मैं बोर्ड बोल रहा हूँ, नॉट बोर्ड, शिप्स है। इसको काट करके हाथ से तोड़ के फूड ग्रेन को स्टोर करने के रखा गया था कि शॉर्टेज हो तो वो काम आ सके।